आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से काफी साल पुरानी है। उस समय ना तो किसी के पास फोन हुआ करता था और ना ही लोग ज्यादा देर तक बाहर घूमा करते थे। इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे आज तक मैं निकाल नहीं सका और ना ही अपने जीते जी कभी निकाल पाऊंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं अपने गांव अपने परिवार वालों के पास लगभग 3 सालों के बाद जा रहा था। तो इस बात से मैं इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे मुझसे कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। मेरे गांव के घर में मेरे मम्मी पापा चाचा और दादा दादी रहते थे जिनसे मिलने की खुशी मेरे लिए काफी ज्यादा थी। असल में मैं अपने गांव से काफी दूर शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। खैर गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है जो मुझे रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुंचा देगी, जिसके बाद मैं फटाफट से गांव जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि अभी वक्त दोपहर के 12 बजे का हो रहा था तो मेरे पास तैयारी करने के लिए अभी काफी वक्त था। सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक शाम के 3:30 बजे मैं हॉस्टल से निकलकर नजदीकी बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां मेरे गांव जाने की बस पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने 2 दिन पहले ही चिट्ठी के माध्यम से घर पर बता दिया था कि आज मैं आने वाला हूँ। खैर बस में बैठने के आधा घंटा बाद यानी कि ठीक 4 बजे बस भी खुल गई, जिसके साथ साथ मैं और बस हम दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मौसम ठंड का होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफी कम थी। बस में सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद करके बैठे हुए थे ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं बस के अंदर ना आ सके। कुछ देर बस चलने के बाद ठंड का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा, क्योंकि अब रास्ता काफी सुनसान हो गया था। शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ने लगा था। खैर अभी भी मुझे काफी लंबा सफर तय करना था तो मैं चुपचाप बस में बैठा रहा। बस आगे बढ़ती चली गई और एक पर एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर उतरने लगे। अब बस मेरे गांव के बस स्टॉप से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और बस में इक्का दुक्का मुसाफिर ही बचे थे कि तभी काफी रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक से बंद पड़ गई। पहले पहले तो मुझे लगा कि बस को ड्राइवर ने किसी स्टॉप पर बंद किया है, मगर जब बस ड्राइवर के बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने पर भी जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो मुझे समझ आ गया कि जरूर कुछ दिक्कत है, जिस पर मैंने चिल्लाकर कंडक्टर से कहा, क्या हुआ कंडक्टर साहब, बस स्टार्ट नहीं हो रही क्या? इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है साहब, रुकिए मैं उतर कर देखता हूँ। जिसके बाद कंडक्टर बस से उतरा और कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद बोला, लगता है बस के इंजन में कोई परेशानी आ गई है, बस आगे नहीं जा पाएगी। कंडक्टर के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चिंता में पड़ गया कि अब मैं घर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे, अभी भी मेरा गांव यहां से 10 किलोमीटर दूर है। देखते ही देखते बस में बचे इक्का दुक्का मुसाफिर बस से उतरने लगे, जिसके साथ साथ मैं भी बस से उतरा। बस से उतरते ही जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। मुझे ठीक से रास्ता भी पता नहीं था कि मैं पैदल चला जाऊं, मगर मुझे इतना जरूर पता था कि मुझे आगे जाना है, तो मैं चलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान हो गया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ता इतना वीरान था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही
रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर कर रखा था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरे के कारण आगे का रास्ता भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करके मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर कौन होगा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे पूछते ही उस आदमी ने जवाब दिया, आप नीलपुर गांव जा रहे हैं ना, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मेरी चिंता कम हो गई। इस पर मैं उस आदमी से बोला, हाँ मैं नीलपुर गांव ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, आप नीलपुर गांव में कहाँ रहते हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नीलपुर गांव में नहीं बल्कि नीलपुर गांव के काफी पहले एक शमशान में रहता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे काफी अजीब लगी कि भला कोई इंसान शमशान में कैसे रह सकता है। खैर, मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी कुछ अजीब ढंग से चल रहा था। वो आदमी काफी धीरे चलकर भी मुझसे बार बार आगे निकल जा रहा था। अभी हमने लगभग आधा सफर तय किया ही था कि वो आदमी रुक गया। तो उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख मैंने उससे रुकने का कारण पूछा तो उस आदमी ने कहा, मेरा शमशान आ गया भाई साहब, अब आगे का सफर आप अकेले ही तय करना। उस आदमी के इतना बोलते ही मैंने जब रास्ते के किनारे देखा तो हाँ, सच में रास्ते के किनारे एक शमशान था। जिसके बाद वो आदमी चलकर उस शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे भी अब अकेले घर जाना था तो मैं समय जाया ना करके अकेले ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं दो कदम बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ जो मेरा मन एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखना चाहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। तो आखिर वो आदमी इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ? अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद मैंने अपने चलने की रफ्तार काफी बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखा। तो मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा थे। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर चाचा को देखकर मैं चौंक गया और चाचा से कहा, अरे चाचा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती चाचा को बताई तो चाचा ने कहा, वो आदमी भूत है। आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था, तब से हर रात उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है। चाचा की ये बात सुनकर मेरा शरीर डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा। मगर एक बात और मेरे जहन में खटकी कि चाचा को आखिर पता कैसे चला कि मैं पैदल आ रहा हूँ। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अच्छा घर जाकर चाचा से पूछ लूंगा आराम से। जिसके बाद मैं और चाचा घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुंचे। तो गांव वाले रास्ते पर आते ही चाचा ने कहा, सुधांशु तू घर चल, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। इतना बोलकर चाचा दूसरे रास्ते पर चलते बने। जिसके बाद मैं चलता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा। तो घर के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि दो तीन लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं। मगर इतनी रात गए इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? ये सोचकर मैं हैरान हुआ और भागता हुआ घर के अंदर गया।
तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी पर कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा लेटे हुए थे। फिर बाद में किसी से पूछने पर पता चला कि आज सुबह खेत में काम करते वक्त चाचा को किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे चाचा मिले थे वो असली चाचा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। सर्दियां आ चुकी हैं, हमारे गांव में अब सारे लोग जल्दी सो जाते हैं। लोग रात में कम ही बाहर निकलते हैं, मगर हम यानी मैं और मेरे सारे दोस्त हम लोग अलग हैं, या यूं कहें तो हम लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ठंड के मौसम में लोग जहां रात में कम बाहर निकलते हैं, वहीं हम सारे दोस्त मिलकर रात में एक जगह पर बैठकर आग जलाते हैं और आग का मजा लेते हैं। ऐसे ही एक रात जब हम सारे दोस्त पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आग का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी हमारे गांव के रहने वाले रमेश्वर काका चलते हुए हमारे पास आकर बैठ गए। रमेश्वर काका की गांव में काफ़ी इज्जत है, हम लोग भी उन्हें काफ़ी इज्जत देते हैं। तभी रमेश्वर काका बोले, और बच्चों आग का मजा लिया जा रहा है? हम सब ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी मेरे एक दोस्त सोनू ने रमेश्वर काका से कहा, काका कोई अच्छी भूत वाली कहानी बताइए ना, आप तो कितनी सारी कहानियां बोलते हैं। इस पर काका ने कहा, कहानी पर अब तो रात बहुत हो गई है, अभी अगर शुरू करूंगा तो काफी रात नहीं हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, सुनाता हूँ। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है जो मेरे साथ सच में हुई थी। इतना कहकर काका ने कहानी शुरू की। बात आज से तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी होगी। उस वक्त भी ठंड का ही मौसम चल रहा था। तब गांव में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था भोला। भोला और मैं हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमकर आने का प्लान कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना झालग्राम भोला के मामा के यहाँ से होकर आया जाए। भोला भी वहाँ जाने के लिए तैयार था। तो अगले दिन ही हम लोगों ने अपने गांव से झालग्राम जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। झालग्राम हमारे यहाँ से काफ़ी दूर था, तो जाहिर सी बात है पहुँचने में समय लगेगा। तो हम लोग आराम से अपनी मंजिल का इंतज़ार करने लगे। दोपहर के 3 बजे यानी लगभग 5 घंटे का लंबा सफर तय करके हम लोग झालग्राम स्टेशन पर उतरे। भोला के मुताबिक स्टेशन से उसके मामा का घर थोड़ा दूर है, तो रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम दोनों रिक्शा में सवार हुए और चल पड़े मामा जी के घर की ओर। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे ठंड में और भी इजाफा होता जा रहा था। सूरज की किरणें मध्यम पड़ चुकी थी, धूप ठंड से बचाने में अब नाकाम साबित हो रही थी। चलते चलते रिक्शा ठीक एक घर के बाहर रुकी, शायद यही भोला के मामा जी का घर था। एक तरफ से भोला और दूसरी तरफ से मैं रिक्शा से नीचे उतरा। हम लोगों ने रिक्शा का भाड़ा मिटाया और घर के दरवाजे की तरफ जाने लगे, जिसके बाद भोला के मामा से मुलाकात हुई। मामा जी हम दोनों को देखकर काफ़ी खुश हुए। मैं तो उनके यहाँ पहली बार आया था, भोला भी लगभग 4-5 सालों के बाद ही आया था। अब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। झालग्राम गांव काफ़ी सुंदर था, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और उस गांव में घर भी काफ़ी कम थे, जिस वजह से चारों तरफ बहुत खुला खुला सा था। ऐसे ही बातचीत करते करते शाम कब रात में तब्दील हो गई
कुछ पता ही नहीं चला। चूंकि मामा जी घर में अकेले रहते थे तो खाना भी वो खुद ही बनाते थे। रात के करीब 9-9:30 बजे के आसपास खाना बनकर तैयार था। हम लोगों ने खाना खाया और कमरे में सोने चल दिए। मैं और भोला एक कमरे में सो रहे थे और मामा जी दूसरे कमरे में। हम लोगों को एक कमरे में सुलाकर मामा जी जब लालटेन रखकर वहां से जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा, काफी थक गए होगे तुम लोग, सो जाओ, कल गांव घूमने जाना। और हाँ, रात में अगर कोई हलचल हो या किसी भी तरह की कोई आवाज आए तो उठने की जरूरत नहीं है, मैं बगल के कमरे में ही सो रहा हूं। मुझे मामा जी की बात थोड़ी अजीब लगी कि आखिर यहां कैसी आवाज आएगी, मगर मैं कुछ नहीं बोला और मामा जी की बात में हामी भर दिया, जिसके बाद मामा जी वहां से चले गए। मामा जी के जाते ही मैंने इस बात का जिक्र भोला से किया तो इस पर उसने कहा, पता नहीं यार, मैं भी तो काफी सालों के बाद ही आ रहा हूं यहां पर। कुछ नहीं, मामा जी की तो आदत है ऐसे डराने की, छोड़ तू, चल। मैंने भी सोचा शायद मामा जी ने ऐसे ही बोल दिया होगा और फिर मैं और भोला यहां वहां की बातों में मसरूफ हो गए। भोला उस गांव में कौन कौन सी अच्छी घूमने की जगह है वो बता रहा था और मैं उसकी बातों में हामी भर रहा था। रात के साथ ही साथ अब ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। ऊपर से गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही होती है। धीरे धीरे अब मेरी पलकें भारी होने लगी थी, मुझे नींद आ रही थी और फिर भोला की बातें सुनते सुनते कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया, कुछ याद नहीं ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। थोड़ा और ध्यान से उस आवाज को सुनने पर पता चला कि वो आवाज घर के बाहर से आ रही है। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदमी जागते रहो बार बार चिल्ला रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे कोई पहरेदार चिल्लाता है। पहले तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर जब वो आवाज से मुझे सोने में दिक्कत होने लगी तो मैं अपनी जगह से उठा और कमरे की खिड़की के पास गया। मैंने धीरे से खिड़की खोला ताकि भोला की नींद खराब ना हो। मैंने बाहर झांक कर अच्छे से देखा, मगर बाहर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो आवाज आए जा रही थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब कोई बाहर दिख ही नहीं रहा तो यह आवाज कैसी। मैं चलते चलते अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे घर से। बाहर ठंड काफी ज्यादा थी। अब तक मैं मामा जी की वो बात कि किसी हलचल पर ध्यान नहीं देना है वो भूल चुका था। बाहर निकलकर अभी मैं इधर उधर अपनी नजरें घुमा ही रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया कि धीरे धीरे वो आवाज अब मेरे नजदीक आती जा रही है। अभी मैं यहां वहां अपनी निगाहें घुमा ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। दरअसल ठीक मेरे सामने एक लालटेन और एक लाठी हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मगर अजीब बात तो ये थी कि वहां उस लालटेन और उस लाठी को किसी इंसान ने नहीं पकड़ा हुआ था। फिर वो सब हवा में कैसे उड़ सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं ये सब देखकर कांप ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे भोला के मामा जी खड़े थे। उन्होंने झट से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर घर के अंदर ले आए। मामा जी ने पहले तो मुझे बहुत डांट फटकार लगाई और फिर बाद में बताया कि दरअसल बहुत पहले इस गांव में एक पहरेदार हुआ करता था, मगर एक रात बाहर से आए कुछ लुटेरों ने उसे जान से मार डाला, मगर तब भी उसकी आत्मा इस गांव की पहरेदारी करती है। रमेशर काका की कहानी सुन हम लोग काफी डर गए थे
और फिर सब अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।